करेगा, मेरा हाथ दबाएगा, मेरा पैर दबाएगा, मेरा सर दबाएगा, बहुत दुख रहा है। चौथे दिन के रात को हमारे साथ बहुत वियर्ड घटनाएं हुई, जो कि बहुत ही आज सुबह हमको हरेसमेंट वाली फील आ रही है। 2:40 पे कुछ 5-6 लोग, इतने वियर्ड लोग आए हमारे पास कि हम डर गए। लेकिन डरते डरते हम सोए, मॉर्निंग में हम उठे, कुछ भी हो जाए हम अपनी यात्रा को नहीं रोकेंगे। बंदूकें दिखा करके धमकाया जाएगा, वो भी कौन धमकाएगा? जो पुलिस हमें सुरक्षा दे रही है वो पुलिस हमें धमकाएगा? उनके राज्य में उनकी पुलिस हमारे से बदसुलूकी कर रही है, तो आप सोच लो आम जनता से कितना ये लोग करते होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप सैनी और आप देख रहे हैं 24 फैक्ट्स इन्फो। आज हम बात करने वाले हैं शबनम शेख की, जिन्होंने 1 महीने पहले भगवान श्री राम के लिए पैदल यात्रा शुरू करी थी मुंबई से अयोध्या के लिए। तो इन्होंने यात्रा के तीसरे दिन एक ऐसा वीडियो डाला जिसमें इन्होंने ये कहा कि रात को 2:30 इनको 5 लड़कों ने रूम में आके मोलेस्ट किया, जिसकी कंप्लेंट इन्होंने पुलिस को नहीं करी। इन्होंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाला और ये कहा कि मेरे को सिक्योरिटी की जरूरत है। चौथे दिन के रात को हमारे साथ बहुत वियर्ड घटनाएं हुई, जो कि बहुत ही आज सुबह हमको हरेसमेंट वाली फील आ रही है। 2:40 पे कुछ 5-6 लोग, इतने वियर्ड लोग आए हमारे पास कि हम डर गए। लेकिन डरते डरते हम सोए, मॉर्निंग में हम उठे, कुछ भी हो जाए हम अपनी यात्रा को नहीं रोकेंगे। कहीं ना कहीं वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, तब महाराष्ट्र सरकार ने उसके साथ 2-3 पुलिस वाले सिक्योरिटी के लिए दे दिए। लेकिन बीते 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में शबनम शेख के साथ पुलिस वालों ने बदतमीजी करी, ऐसा वो बोल रही है। बंदूकें दिखा करके धमकाया जाएगा, वो भी कौन धमकाएगा? जो पुलिस हमें सुरक्षा दे रही है वो पुलिस हमें धमकाएगा? उनके राज्य में उनकी पुलिस हमारे से बदसुलूकी कर रही है, तो आप सोच लो आम जनता से कितना ये लोग करते होंगे। अब इसका वीडियो उनके पास है या नहीं, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना रोते हुए एक वीडियो डाल दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पुलिस वालों ने उनके साथ बदतमीजी करी तो उसका वीडियो वो सोशल मीडिया पे रोते हुए डाल रही है और ये बोल रही है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनके साथ कैसे बदतमीजी करी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब शबनम शेख ने इस यात्रा को शुरू किया और यात्रा के तीसरे दिन जब इनके रूम में 5 लड़के आए, तो उसकी FIR उन्होंने क्यों नहीं करवाई? उन्होंने सोशल मीडिया पे चिल्लाकर ये क्यों नहीं बोला कि मेरे को 5 लड़कों ने आके रूम में मोलेस्ट किया है, गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए, गवर्नमेंट को उनको गिरफ्तार करना चाहिए और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को उनकी मदद करनी चाहिए। उस वक्त शबनम शेख उर्फ गुड़िया रानी ने पुलिस की मदद ली और कहीं ना कहीं इनको 3 पुलिस वाले मिल गए, जो कि दिन रात इनके साथ लगे रहे। कहीं ना कहीं ये पुलिस की गाड़ी में बैठकर यात्रा भी कर रही थी और कहीं ना कहीं और राम भक्त जो कि पैदल यात्रा कर रहे हैं, उनका बोलना था कि ये पुलिस की गाड़ी में बैठकर निकल जाती है और जब भी इसको इंटरव्यू देने होते हैं या फोटो करवानी होती है तो उस गांव से 2-3 किलोमीटर पहले ये उतर जाती है और फिर पैदल यात्रा करना शुरू कर देती है। और ऐसे ही पूरे महीने इन्होंने काफी सारे ड्रामे करे। इन्होंने सोशल मीडिया पे लोगों से पैसे मांगे, उन्होंने ये कहा कि मेरे को फोन खरीदने के लिए पैसा दो ताकि मैं अच्छी क्वालिटी में वीडियोस बनाऊंगी और सोशल मीडिया पे अपलोड करूंगी। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने 2 रात पहले एक वीडियो अपलोड करा रोते हुए और ये कहा कि मेरे साथ पुलिस वालों ने काफी बदतमीजी करी है, सवाल ये उठता है कि पुलिस ने अगर इनसे बदतमीजी से बात करी तो इनका रोना क्यों निकल आया? और उसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया पे चिल्लाकर ये क्यों बोलना शुरू कर दिया कि योगी सरकार में जो पुलिस वाले हैं वो बहुत ज्यादा करप्ट हैं? जब यात्रा के तीसरे दिन इनके रूम में 5 लड़के घुस गए थे, उस वक्त इन्होंने ऐसा वीडियो क्यों नहीं बनाया? ये रोड पर निकल के क्यों नहीं रोई? इन्होंने क्यों नहीं सरकार को बोला कि मेरे को 5 लड़कों ने बहुत ज्यादा परेशान किया है? लेकिन जैसे ही ये यूपी में घुसी और कहीं ना कहीं ये अयोध्या के पास पहुंचने वाली है, तो इन्होंने सोशल मीडिया पे एक और नया ड्रामा शुरू कर दिया। इन्होंने पुलिस वालों को झूठा ठहरा दिया। लेकिन शबनम शेख उर्फ गुड़िया रानी जिस तरीके से यूपी पुलिस को बदनाम कर रही है, उनका बोलना है कि यूपी पुलिस को प्रोटोकॉल नहीं पता है, वो नहीं जानते कि किस तरीके से उनको हमारी सिक्योरिटी करनी है। उन्होंने ये कहा कि यूपी पुलिस को ये नहीं पता है कि उनको हमारी सुरक्षा कैसे करनी है। उन्होंने हमारे साथ बहुत बदतमीजी करी। अगर यूपी पुलिस ने आपके साथ बदतमीजी करी है तो उसका वीडियो कहां है? उस वीडियो को आपको सोशल मीडिया पे अपलोड करना चाहिए था। अगर यूपी पुलिस ने आपके साथ बदतमीजी करी थी तो आपने उस वीडियो को रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? आपने खुद का वीडियो रोते हुए रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पे चढ़ा दिया ये बोलकर कि मेरे को यूपी पुलिस ने काफी ज्यादा परेशान किया है, ताकि जैसे जैसे आप अयोध्या के पास पहुंचे लोग आपके साथ सिंपैथी के साथ जुड़ जाएं और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आप और सुर्खियां बटोरे, मीडिया आपको कवरेज दे। लेकिन शबनम शेख जिस तरीके से पुलिस को बदनाम कर रही है, इसके पीछे की वजह कुछ और है। शबनम शेख जब थक कर रोड पर बैठ गई थी तो इनके साथ जो 2 लड़के और चल रहे हैं उनमें से एक लड़का इनके पैरों को दबा रहा था और दूसरा लड़का इनके कंधे और सर दबा रहा था और कहीं ना कहीं वो हंस हंस के बातें कर रहे थे। लेकिन जब फतेहपुर पुलिस ने इनको ऐसा करते हुए देखा तो उन्होंने कहीं ना कहीं इनको मना किया। उन्होंने कहा कि आप ये सब यहां पर बैठकर ना करें, आप राम यात्रा कर रही हैं, ऊपर से आप शबनम शेख हैं और अगर लोग इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका विरोध करेंगे। फिर क्या था, इन्होंने पुलिस वालों के साथ बहस करना शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं पुलिस ने इनको सख्ती के साथ समझाया और वहां से चले गए। और फिर उसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया पे एक रोते हुए वीडियो अपलोड कर दिया कि पुलिस वालों ने हमारे साथ बदतमीजी करी है, यूपी की पुलिस बहुत खराब है, उन्होंने हमें बहुत गंदा गंदा बोला। दुनिया जानती है किस तरीके से शबनम शेख वाहियात बातें करती है। मेरा मसाज करेगा, मेरा हाथ दबाएगा,
मेरा पैर दबाएगा, मेरा सर दबाएगा, बहुत दुख रहा है। शबनम शेख वही है जो कि लोकल ट्रेन में बैठकर अपने पार्टनर को ये कहती है कि आज ये घर पे चल के मेरी मसाज करेंगे, मेरे पैर दबाएंगे, मेरी कमर दबाएंगे, मेरा सर दबाएंगे और पता नहीं क्या क्या। ये सब बातें वो सोशल मीडिया पे करती रहती है, लेकिन जब फतेहपुर पुलिस ने उनको ऐसा करते हुए देखा तो उन्होंने कहीं ना कहीं इसको रोकने की कोशिश करी। उसके बाद क्या था, शबनम शेख उन पर भड़क गई और उन्होंने अपना सोशल मीडिया पे वीडियो डाल दिया। और जैसे जैसे वो मंदिर की तरफ बढ़ रही है, उनकी पोल पट्टी खुल चुकी है, लोग उनका विरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हिंदू चाहते हैं कि ये जिस तरीके से दोनों धर्मों के साथ खेल रही है ऐसा ना करें। अगर आप सच में शबनम शेख हैं और आप हिंदू धर्म को इतना मानती हैं तो आपको इस धर्म में आ जाना चाहिए, लेकिन शबनम शेख ऐसा नहीं करेंगी। वो दोनों धर्मों से फायदा उठाएंगी और कहीं ना कहीं अपना घर चलाने के लिए और सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए वो ये स्टंट करती रहेंगी। और जिस तरीके से उन्होंने यूपी पुलिस को बदनाम किया है वो बहुत ज्यादा गलत है। शबनम शेख की सच्चाई के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे और वीडियोस देख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं दोनों धर्मों के लोगों को गुमराह कर रही है। काफी सारे मुस्लिम लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाए हैं। शबनम शेख मुंबई के नाला सुपारी की रहने वाली है और कहीं ना कहीं काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि ये लड़की हिंदू है, लेकिन सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए शबनम शेख बनी हुई है और कहीं ना कहीं शबनम शेख हिंदू भाइयों को भड़काती रहती है ये बोलकर कि मेरे को इस मौलवी ने ये बोला, मैं उनके सामने खड़ी हो जाऊंगी और सारे के सारे सनातनी हिंदू भाई मेरे साथ हैं। लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो शबनम शेख होते हुए अपने ही धर्म के लोगों के बारे में कितना गलत गलत बोल रही है। ना ही शबनम शेख उर्फ गुड़िया नानी हिंदू धर्म की होना चाहती है, ना ही वो मुस्लिम धर्म का होना चाहती है। उनको बस सोशल मीडिया पे फेमस होना है और लोगों को पागल बनाकर पैसा कमाना है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब सोशल मीडिया पे ये चीख चीख के चिल्लाने लगी हैं, इनको देखकर तो ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में इनको बस एक टिकट की जरूरत है। और जिस तरीके से शबनम शेख यूपी पुलिस को बदनाम कर रही है, उनसे ये पूछना चाहिए कि जब महाराष्ट्र में 5 लड़के आपके रूम में घुसे थे उस वक्त आपने ऐसे वीडियो क्यों नहीं बनाए, उस वक्त आपने महाराष्ट्र सरकार को कंप्लेंट क्यों नहीं करी, उस वक्त आपको सिर्फ फेम चाहिए था, आपको लोगों को पागल बनाना था, आपको सिक्योरिटी लेनी थी और आपको इस यात्रा में कहीं ना कहीं आगे बढ़ते रहना था और आप जानती थी कि हिंदू धर्म के लोग किस तरीके से पागल बनाए जा सकते हैं और आपने वो बहुत अच्छे से किया और कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे हिंदुओं को पागल बनाया है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में आप अयोध्या पहुंचने वाली हैं और वहां पर आपको एक से एक कट्टर हिंदू मिलने वाले हैं। मेरा उन सभी सनातनी हिंदुओं से एक अनुरोध है कि इस लड़की से ये जानने की कोशिश करें कि आखिर ये हिंदू है या मुसलमान है। अगर इसके रूम में 5 लड़के घुसे थे तो उनकी कंप्लेंट इन्होंने पुलिस वालों को क्यों नहीं करी। इस लड़की का आधार कार्ड एक बार आप जरूर देखें और कहीं ना कहीं आप इससे एक बात ये पूछें कि ये सोशल मीडिया पे पैसे क्यों मांगती हैं, ये अपने डिस्क्रिप्शन में पैसों की डिमांड क्यों करती हैं, इनको आईफोन क्यों चाहिए। और जिस तरीके से इन्होंने यूपी पुलिस के बारे में इतना चिल्ला कर वीडियो बनाया है, जिस टाइम इनके रूम में 5 लड़के घुसे थे उस वक्त इन्होंने ऐसा वीडियो क्यों नहीं बनाया। और ये कहीं ना कहीं हिंदू लोगों की सिंपैथी चाहती है और ये हमारे अयोध्या के मंदिर में घुसना चाहती है। मैं यूपी पुलिस और सभी सनातनी हिंदुओं से एक गुजारिश करना चाहूंगा कि मंदिर में जाने से पहले इसका आधार कार्ड चेक करें और ये लड़की किस धर्म की बनके रहना चाहती है, ये राम मंदिर में क्यों जाना चाहती है, इसके बारे में आप इससे सवाल जरूर पूछें। और मैंने जिस तरीके से इसको एक्सपोज किया है ये इस बात को बहुत अच्छे से जानती है। आपको वीडियो देखना हो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करें और जिस तरीके से लड़की फेक यात्रा कर रही है इस यात्रा को रोक दिया जाए।